तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। जो आज का वीडियो होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग पार्ले जी बिस्कुट पे चैलेंज रखे गए। जो एक मिनट में एक बिस्कुट खाएगा उसको हम लोग नगद नारायण 500 रुपये इनाम देंगे, जो कि देख सकते हो यहाँ है आपके सामने। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजर हैं, 5 लोगों को खिलाएंगे, 1 मिनट का टाइम रहेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे पानी भी उनको दिया जाएगा। अगर लगता है उनको पानी बोल के आसानी से खा पाएंगे तो पानी बोल के खा सकते हैं, चाहे ऐसे भी खा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और पानी भी पी सकते हैं अगर प्यास लगता है बीच में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस टाइम से खाना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो यह बिस्कुट है, तो हम लोग फाड़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ प्लेट है, एक प्लेट में हम लोग रखेंगे, तो देखते हैं पता नहीं कितना बिस्कुट है, गिना जाएगा। 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बिस्कुट है, ठीक है। अब ये चैलेंजर हैं, इनका हम लोग नाम पूछेंगे, कहाँ से हैं और क्या नाम है। चलिए तो बाबू अपना नाम बताइए, थोड़ा तेज बोलिएगा। मिस्टर सूरज। घर कहाँ पड़ता है? बरवा में देवा। ठीक है, चैलेंज पता है आपको? ठीक है, ये आपके पास पानी है, या पानी बोल के खाइए या ऐसे भी खाइए जैसे आपको खाना है। यहाँ पे भैया टाइमिंग दिखलाएंगे, संदीप भैया, तो एक मिनट पूरा इनको टाइम दिया जाएगा। तो और जीतते हैं तो 500 का इनाम हम लोग देंगे। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिएगा भैया, इनाम आप चालू कीजिएगा, टाइमिंग आप करेंगे तब। 1, 2, 3 स्टार्ट कीजिए। तो देखिए बाबू 2, 2, 1, 1, 7 बोर बोर खा रहा है, और टाइमिंग के हिसाब से अच्छा ही कर रहा है। 10 सेकेंड में लगभग 2-2 खा रहा है, तो 6 बिस्कुट खा गया, 20 बिस्कुट था इनके पास। तो देखिए और फास्ट थोड़ा कीजिए बाबू, बिस्कुट आपके पास ज़्यादा ही है। तो कुछ कहना चाहेंगे संदीप भैया? पानी पी लो। हाँ, पानी पीते जाओ। यहाँ पे देख सकते हो आप, लगभग 27 सेकेंड हो गया आप, बिस्कुट अभी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अब 3-3 बाबू खा रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, और ऐसे ही खाता रहेगा तो शायद जीत भी सकता है। देखिए आपके पास और 20 सेकेंड मात्र है, अब बिस्कुट काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए खाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 50 सेकेंड हो गया और बिस्कुट काफ़ी ज़्यादा है, बट कोई ना, कोशिश कीजिए। अभी आधा भी नहीं खा पाए हो। देखिए वहाँ पे अब 2-3 सेकेंड और कम है, रोकिए स्टॉप कीजिए भैया। देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड हो गया, 1 मिनट 4 सेकेंड हो गया, और बिस्कुट आप देख सकते हो इतना भी बाकी है। तो ये तो चैलेंज हार चुके हैं, बट कुछ कहना चाहेंगे? नो। चलिए ठीक है, जाइए। बोल ही नहीं। तो गाइस चैलेंजर नंबर दूसरे पे आ गए हैं, कादिर नाम है ना आपका? नाम कहाँ से हैं आप? बरवा मदेवा। ठीक है गाइस, तो इनको हम बिस्कुट फाड़ के यहाँ पे देखिए, यह इतना बिस्कुट हुआ, आपको चैलेंज पता है ना? मालूम है। चलिए ठीक है, अब भैया टाइमिंग स्टार्ट करेंगे, आप खाना स्टार्ट करना, एंड के एकदम क्लोज क्लोज ले लेते रहना मन भाई। चलिए स्टार्ट, खाइए। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, और पानी बोल के खाइए, वैसे खाइए, बस आपको खाना है जैसे आसानी हो, जैसे भी आपको आसानी लगे। अब 20 बिस्कुट हैं, देखिए 1-1 साथ 5-5 खा रहे हैं। कादिर नाम है, कादिर के साथ साथ काम भी उत्साह कर रहे हैं बाबू, ये चैलेंज पहले पूरा करेगा। हाँ, क्योंकि बिस्कुट जो सरिया है बहुत ज़्यादा, 20 सेकेंड 21 सेकेंड में बिस्कुट खिला, 5 बिस्कुट बचा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब। एक मिनट अभी ताली होगा जब जीतते हैं। तो देखिए कादिर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, चैलेंजर ये बन जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइमिंग काफ़ी, रुक जाइए एक मिनट। तो गाइज यह टाइम से ही ले लिए हैं लगभग 39 सेकेंड, और इनके मुंह में था मान लो 1-2 सेकेंड, वो भी हो गया 40 सेकेंड में पूरा कंप्लीट चैलेंज कर चुके थे। और अब इनके लिए ताली बजाओ खूब जोरदार। तो बता रहे हैं अब आइए थोड़े पास में। तो देखिए कादिर आप मात्र 40 सेकंड में खाए हैं, अभी आपको इनाम लास्ट में दिया जाएगा। अगर आपसे कोई कम टाइम लेता है तो उनको दिया जाएगा, अगर आपसे ज़्यादा जो टाइम लेंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे अगर मानो 40 सेकंड लिए हैं कोई, अगर 40 सेकंड से कम चाहिए, हाँ 40 सेकंड से अगर कोई कम में आता है तब उसको इनाम दिया जाएगा, और नहीं तो आप तो हैं ही, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस चैलेंजर नंबर तीसरे पे भैया हैं, भैया अपना नाम बताइएगा। सनी। हाँ, कहाँ से आप? फरवा हरियाणा। तो काफ़ी दूर से हैं, और यहाँ पे कार्यक्रम दिखला रहे हैं हमारे गांव में, हमारे ही घर पे, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको नियम पता है ना भैया? हाँ भैया पता है। ठीक है, तो यह रहा आपका बिस्कुट, और थोड़ा क्लोज ले लीजिए इनको बढ़िया से भैया को,
और इनको नियम रोल सारा पता है। अभी देख रहे थे वीडियो, मतलब मेरा वीडियो पहले से भी देखते थे और यहाँ पर भी हम लोग नियम बता रहे थे, तो भैया काफ़ी समझ थे। देखिए आप पानी में बोल के खाइए या ऐसे भी खाइए, जैसे भी मन करे वैसे खाइए, बस टाइमिंग से खाइएगा। स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 स्टार्ट। देखिए आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया भैया, और काफ़ी अच्छा करेंगे। ये एक एक बार में लगभग 5-5 ले रहे हैं, 20 बिस्कुट है। अगर इस हिसाब से खाते हैं तो लगभग 40 सेकेंड लगभग, हाँ, 4 बार में खा जाएंगे। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कादिश से अगर कम समय लेते हैं तो यही विनर रहेंगे। और इनका थोड़ा क्लोज लेते रहिएगा भाई, इनका मुंह का एक्सप्रेशन दिखलाते रहिएगा कि कितने फास्ट खा रहे हैं। सबसे अच्छे करेंगे हमको लगता है टाइम के हिसाब से। 24-25 सेकेंड यहाँ पे हो गया, और बहुत ही कम बिस्कुट रहा यहाँ पे, देख सकते हो आप, इतना ही मात्र बिस्कुट है। और देखिए अब 32 सेकेंड हो गया, खा सकते हैं। हाँ, बट थोड़ा जल्दी कीजिए, कादे से आपको कम करना है। देखिए गाइज यहाँ पे नहीं, आप इनको खाने दीजिए, इनका टाइम बताया जाए कितना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कादे से तो हार ही चुके हैं, बट लगता है 1 मिनट में खा जाएंगे। बट देखिए अगर कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, आपके सामने सब कुछ रहेगा। 1 मिनट इनको हम फुल टाइम देंगे, तो 1 मिनट हमको लगता है ऐसे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख ही सकते हो आप, पूरा टाइमिंग हो गया है। हाँ, तो गाइज यहाँ पे देखिए 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी बिस्कुट खा ही रहे हैं। स्टॉप हम लोग करते हैं 1 मिनट 4 सेकेंड तो यह इस विनर में मतलब पार्टिसिपेट किए, बट ये विनर नहीं हो पाए, इसके लिए कोई अफसोस की बात नहीं है। और मतलब इनको हौसला, 1 मिनट हौसला था कि जीत जाएंगे, बट कोई ना, अब नहीं जीता तो इसके लिए कोई ना। भैया हार के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हार के भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए भैया कोई ना। तो गाइस ये 4th नंबर पे आए हैं बाबू, अपना नाम बताओ। सम्राट फ्रॉम मुंबई। वाह, टाइटल तो काफी खतरनाक है, बट कोई ना, खा जाओगे ना? कॉन्फिडेंस है, नियम पता है ना? चलिए ठीक है, इनको बिस्कुट हम लोग देते हैं। सरिया के रखो। ये बोल रहे हैं सरिया के रखो, कहें कि ये इससे लग रहा है खा जाएंगे। कोई ना, हम लोग इनको सरिया के ही देते हैं, और यहाँ पे सरिया देते हैं। हाँ, ये फूटल का भी घोर के पी करिए ना, कोई दिक्कत ना। हाँ, तो आप पानी में बोल के खा सकते हो या वैसे भी खा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। यहाँ पे भैया टाइमिंग दिखलाएंगे, आप देखना, हम जब टाइम बोलेंगे तो आप खाना स्टार्ट करना। 1 2 3 स्टार्ट कीजिए भैया। देखिए ये इस गिलास में ना बोल के ये लोटा में बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा करेंगे। देखिए इतना बड़े बड़े मुँह खोल के और एक साथ लगभग 6 बिस्कुट खा रहे हैं, इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा करेंगे। और देखिए 2 बार में उतना बिस्कुट खा लिए, मात्र 4 बिस्कुट और बचा है। बहुत ही अच्छा करेंगे, हमको लगता है सबसे कम टाइम यही लेंगे, कम समय में खाएंगे ये। हाँ, और पानी पी रहे हैं, पानी पीने में टाइम लगा रहे हैं, अब देखते हैं। बट कोई ना, बहुत कम ही बिस्कुट है, अब बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो देखिए लोटा में बोल रहे हैं मात्र 30 सेकेंड 30 सेकेंड अभी मुँह में है, बस थोड़ा सा। देखिए मुंह में ले लिए, पानी पी रहे हैं, लोटा से गिलास से नहीं, गिलास है। चलिए ठीक है, कोई ना, यहाँ पे देखिए स्टॉप कीजिए, बहुत ही अच्छा। और ये 40 सेकेंड हमको लगता था मतलब 38 सेकेंड में ले लिए थे, 40 सेकेंड में कंप्लीट, कादिर से कम टाइम लिए हैं। तो इसके लिए मतलब इस वीडियो को विनर होंगे। बट एक और हम लोग चैलेंजर रखे हैं, 5 लोगों को बोले थे, अब इसके बाद इससे जो कम टाइम लेगा लगभग 35-30 तब वो विनर होगा, नहीं तो ये तो विनर ही हैं। इसके बाद अगर कोई नहीं जीता तो आपको इनाम दिया जाएगा। तो चलिए जाइए, और आपको जीत के कैसा लगा? एक चीज़ और, इनके लिए एक ताली होनी चाहिए यही से। तो गाइज लास्ट बार है, 5वें नंबर पे हैं बाबू, और आपको नियम पता है ना? पहले नाम बता दो अपना। पुष्पा आ चुके हैं ना इसका। अच्छा, ये आलू आ चुके, कॉपी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इनको दे देते हैं बिस्कुट। ये बिस्कुट लगभग 20 है, और सबसे कम टाइम लिए थे सुमित नाम था ना? हाँ। सुमित, अब उससे आपको कम में लेना है, लगभग 20 सेकेंड से कम, 40 सेकेंड हुआ था उनका, 40 सेकेंड। आप देखो 36 में खाए थे, 40 में कंप्लीट। हाँ, 40 में कंप्लीट हुआ था, कादे से कम टाइम लिए थे। आप इसमें बोल के खाओ, इसमें बोल के खाओ, या ऐसे भी खाओ, जैसे मन करो वैसे खाओ, टाइम के हिसाब से बस खा लेना, ठीक है, सुविधा आपको जैसे लगे। तो देखिएगा यहाँ पर टाइम चालू करके, 1 2 3 स्टार्ट कीजिए। टेबल लोटा में ही बोल के खा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब 1 2 3 4 5 6 लिए हैं ना, 6 छः अगर छः खा रहे हैं अगर 6 खाएंगे तो उनसे बढ़िया करेंगे हमारे हिसाब से। थोड़ा जल्दी करो, यहाँ पे आपको 15 सेकेंड हो गया है बाबू, हो गया बाबू, बस 15 सेकेंड बचा है, 15 सेकेंड, क्योंकि आपको 40 सेकेंड से कम में ही खाना है, क्योंकि 40 सेकेंड का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया सुमित ने। देखो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट देखते हैं
और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो बाबू, कहेंगे आपके पास मात्र अब देख सकते हो 8 सेकंड है, अभी पानी पीने में टाइम लगा रहा है, कोई ना। देखिए गाइस यहाँ पे मात्र 3 सेकंड 2 1 1 बाबू अब हार गया। नहीं कोई ना, खाने दीजिए, इसका टाइम देखा जाएगा कितना ले रहा है, बट उन लोगों से तो हार ही गए हैं। अब यहाँ कंप्लीट ये कर हमको लग रहा है 1 मिनट से कम, हाँ लगभग 50 सेकंड में कंप्लीट। देखिए अभी पानी पी रहा, पानी पीने में टाइम ले रहा है, बट कोई ना लगभग 50 सेकंड, हाँ 55 में ये कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे चैलेंजर जो दूसरे नंबर पे हैं, एक मिनट, जो चैलेंजर थे 5 लोग थे, हम बताते हैं कौन इसका विनर हुआ। तो देखिए गाइस यहाँ पे इतना बिस्कुट था, हमको लगा ये सारा ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पे इतना बच गया है। और चैलेंजर में यह है सुमित नाम का एक लड़का है, काफ़ी अच्छा किया, सबसे बेहतरीन किया। यहाँ पे जो भी चैलेंजर थे वे लोग हैं, तो पहला नंबर पे तुम थे, सूरज यह थे, क्या नाम है, सूरज, दूसरे पे कादे, हाँ कादे इसका हम जानते हैं, एक आपका तीसरा नंबर आप पे थे भैया थे, क्या नाम है, सनी, यह चौथा नंबर पे, यह था चौथा नंबर, पांचवा वे थे, ये चौथा नंबर पे जीता था, बहुत खुशी की बात है। इनको हम लोग इनाम देंगे, तो आप लोग थोड़ा इनके लिए ताली एक बजाना, इनाम निकल गए, एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, अभी तो इनाम इनको हाथ में जाने दीजिए। देखिए ये 500 की नोट है जो कि कर करावा, और इनको हम लोग दे रहे हैं इनाम के तौर पर, और जब भी देंगे ताली स्टार्ट कीजिएगा। चलिए बजाइए ताली, आओ बताओ, वीडियो के लिए कुछ बोलो, वीडियो के लिए क्या बोलना चाहोगे, पैसा तुम्हारा इनाम है, जब तुम उसको, एक चीज़ हम ये भी बताएंगे इनाम को क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जो भी ऐसा चैनल के लिए कुछ बोलो कि नहीं। चलो, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके द सिवा XYZ चैनल में बैठे और कंपटीशन जीते, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, बस हम इतना कहना चाहेंगे जी। और इनाम पाए हो तो इनाम को क्या करोगे, मतलब अच्छे कामों में लगाओगे कि कुछ अलग ही चीजें में लुटाओगे। गांव में जो सर्कस वाले आए हैं उन्हीं भैया को जो ये बोल रहे हैं, ढेर ज्यादा दिन 2-3 दिन से अभी आए और इन्हें रिबन काटने के लिए हम इनको रिबन काटने, जो भी करेंगे अच्छे काम में पैसा लगाएंगे, इनके लिए शुभकामनाएं है कि ये जो भी करें अच्छा करें। और इस वीडियो के, और मतलब अभी तक आप लोग देख रहे हो तो इंटरेस्ट था ही, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना राय देना कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और ये मेरे भैया हैं संदीप भैया, ये इनका भी एक चैनल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी चेकआउट करना। और कोशिश रहेगी हर एक वीडियो में आएँ और अच्छा मतलब कार्यक्रम हम लोग करेंगे एक साथ मिलके। और इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा वो जरूर कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।